हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बानिक स्मार्ट क्लास विथ न्यू सेशन। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि हम लोग आज बात करेंगे किसके ऊपर, क्लॉक के ऊपर। ये लगभग आपके एसएससी के लेवल के एग्जाम में डेफिनेटली आता है कि फाइंड आउट कीजिए कि 4 से 5 बजे कितने टाइम पे वो लोग 180 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो लास्ट एक मैंने वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि कोइंसाइड या ओवरलैपिंग या 0 डिग्री का वो लोग बनाएंगे। सेम टू 4 to 5 पूछ सकता है, या 5 to 6 भी पूछ सकता है, उस टाइम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे भी सेम पूछ सकता है, 11 से 12 के बीच में भी पूछ सकता है कौन से टाइम में वो लोग 180 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग दो मेथड यूज किए थे लास्ट क्लास में। वन था एक फॉर्मूला वाला और दूसरा था एक बेस मेथड। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए वहां पे, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम में या कितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे। क्लियर? क्योंकि जो बेस मेथड है बहुत ही कम टाइम में आपका आंसर निकाल देता था। तो यहाँ पे भी सेम हम लोग देखेंगे, एक बार में देखेंगे फॉर्मूला यूज करके, और दूसरे टाइम हम लोग देखेंगे कहाँ पे बेस मेथड यूज करके। सेम फॉर्मूला से ही मैंने बेस मेथड ड्रॉ किया है, कहीं से बाहर से नहीं लाया है हमने। जो फॉर्मूला मैंने बताऊंगा वही फॉर्मूला से मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है बेस मेथड में। कैसे क्या वो मैं बता दूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, छोटा सा एग्जांपल लिया 4 to 5, कहां से मैंने लिया कि 4 to 5 पे वो लोग कर्व हम लोग का 180 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर फॉर्मूला में हम लोग आते हैं, तो फॉर्मूला था मेरा एम इक्वल टू 2 by 11 into 30 h प्लस माइनस थीटा। क्लियर? ये मेरा फॉर्मूला था। तो ये फॉर्मूला में चलिए डालते हैं। तो एम हम लोग को निकालना है मिनट, तो 2 by 11 करना है, 30 इंटू कितना करना है मिनिमम आवर, मतलब मिनिमम आवर जो है 4, एंड प्लस माइनस 180, बिकॉज अब थीटा कितना है हम लोग का 180 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, तो थीटा आ गया हम लोग का 180, या ऑपोजिट मतलब 180 डिग्री आएगा। तो इसके लिए एम वन एक मेरा आ जाएगा 2 by 11, इसको मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 120 प्लस 180 एक आएगा, और एक बार आएगा एम टू इक्वल टू मेरा आ जाएगा 2 by 11 120 माइनस 180। ये माइनस 180 जो है वो कट जाएगा, क्योंकि 120 से माइनस 180 अगर मैं कर रहा हूँ That means वैल्यू मेरा माइनस में आ जाएगा, और मिनट का भी माइनस में नहीं आएगा, ऑलवेज प्लस में आएगा। तो ये कट गया। तब अब चलिए यहाँ पे ये मेरा कितना हो गया, तो एम वन इक्वल टू मेरा हो गया 2 by 11, ये आ गया 300। तो उसको मैं ब्रेक करूंगा तो आ जाएगा 600 by 11 आ जाएगा। इसको अगर काटना है हम लोग को तो काटिए कितना, 5 से काटिए, आ गया मेरा 55, एंड अगेन आ गया मेरा कितना 50, 4 से काटिए 60 by 11 आएगा, बस 6 by 11 आएगा। ये टाइम में मेरा 180 डिग्री वो लोग क्रिएट करेंगे। दैट मीन्स 4:54 6 by 11 में ये लोग क्रिएट करेंगे। अब लोग का क्या क्रिएट करेंगे, अब लोग का 180 डिग्री क्रिएट करेंगे। क्लियर? तो ये देखिए हम लोग को कितना टाइम लगा ये इसको सॉल्व करने के लिए, अगर हम लोग फॉर्मूला में जाते हैं। तो अगर हम लोग बेस में जाएंगे तो कितना जल्दी सॉल्व होगा देख लीजिए। तो अगर बेस में मैं लूंगा, तो बेस में मैं एक यूज करूंगा, क्या की यूज करूंगा बेस मेथड में, क्या की यूज करूंगा, 60 by 11। ये 60 by 11 कहां से मैंने लाया, जो मैंने फॉर्मूला लिखा था 2 by 11 into 30 देन h देन प्लस माइनस थीटा लिखा था, ये 30 को मैंने लाके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे जो थीटा और मिनट के बीच में क्या रिलेशन है उसी को ही हम लोग बेस मेथड करके लेते हैं। ठीक है? और ये समझ में आ गया 60 by 11 कहां से आया, मैंने 60 by 11 यहां से ले आया, और ये जो वाला पार्ट है उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया ये सिर्फ बताना है। उसके बाद आप लोगों का इजीली क्लियर हो जाएगा, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। क्लियर? मैंने क्या बोला है, बेस लेंगे। तो बेस क्या लेंगे, यहाँ पे बेस लेंगे 6। आप बोलेंगे सर क्यों आप बेस 6 ले रहे हैं, देखिए हम लोग का 180 डिग्री एग्जैक्टली कितने बजे शो करता है, एग्जैक्टली 6 बजे ही हम लोग को 180 डिग्री दिखाई देता है, तो इसलिए हम लोग बेस लेंगे 6। बेस किसको मानेंगे, यहाँ पे 6 मानेंगे बेस को। और जो मिनिमम टाइम मैंने क्या से कहां तक बोला था, 4 से 5 तक बोला था मिनिमम टाइम। तो हम लोगों को 6 से क्लॉकवाइज काउंट करना है, कहां तक, 4 तक। 6 से क्लॉकवाइज काउंट करना है, कहां से, 4 तक।
तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया मेरा मल्टीपल ऑफ 10, बात खत्म। देखिए 600 by 11 तो ये आ जाएगा 54 by 6 by 11। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा आपको, फॉर्मूला में जा रहे थे कितना टाइम लग रहा था और ये बेस मेथड में गए कितना टाइम लगा। ये एक चीज याद रखना है आपको कि 180 में बेस मुझे 6 पकड़ना है, 6 से क्लॉकवाइज मुझे चलना है कहां तक, जो मिनिमम आवर है। तो मिनिमम आवर मेरा यहां पे क्या है, 4 है, तो मैं 4 तक काउंट करूंगा क्लॉकवाइज। क्लियर। और एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, 11 से 12 के बीच में कितने टाइम हम करेंगे, सेम 60 by 11 मल्टीपल ऑफ क्या करेंगे, हम मल्टीपल ऑफ क्या करेंगे, बेस क्या है 6 से कहां तक लेंगे, 11 तक लेंगे। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो मल्टीपल ऑफ कितना कीजिए, 5 कीजिए, तो आ गया आपका 300 by 11। 300 by 11 अगर मैं ब्रेक करता हूं 2 में कट जाएगा, ये आपका बचेगा कितना 8, तो 7 पे काटिए 3 by 11 कीजिए इसको। क्लियर। इसको क्या कीजिए, इसको कीजिए 3 by 11 कीजिए, तो 3 by 11 कीजिए। कितना टाइम लगा, कितना टाइम, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड में आपका बात खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला में जाएंगे, हम लोग एक बार प्लस 180 कर रहे थे, एक बार माइनस 180 कर रहे थे। क्लियर। तो ये जो इतना नेसेसरी की ऑलवेज जो आपका जो माइनस 180 है वो ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, तो मे भी वो निकल भी सकता है। क्लियर। और कभी कहीं पे माइनस में निकलेगा, प्लस में नहीं निकलेगा, कहां कहां पे प्लस में निकलेगा, माइनस में नहीं निकलेगा। हम लोग यहाँ पे क्या देखें, जो माइनस 180 था वो माइनस में वैल्यू जा रहा था, मिनट इसलिए नहीं निकला। कभी कभी क्या आ जाएगा, वैल्यू एक्सीड कर जाएगा, प्लस होने के बाद आपका जो मिनट है वो एक्सीड कर जाएगा। कहां से कम, मतलब मान लीजिए 4 से 5 दे रहा हूं, अगर वो एक्सीड कर गया 5 से तो वो तो आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि मेरे को क्या पूछा है उसने, उसने पूछा है 4 to 5 के बीच में मुझे पूछा है, आफ्टर 5 नहीं पूछा है। क्लियर। तो इसलिए वहां पे डेफिनेटली हमको दो बार चेक करना पड़ेगा, एक प्लस 180 करना पड़ेगा, एक माइनस 180 करना पड़ेगा। तो वहां पे क्या होगा, हम लोग का टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग ये मेथड में जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार में एक ही का निकल जाएगा और दूसरे के लिए हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, झंझट नहीं है। कोई भी एक ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए। और एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 5 से 6, मैंने 5 से 6 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे किसी किसी का डाउट होगा कि 5 से 6 में क्या होगा, 5 से 6 ले चलिए। तो देखिए 60 by 11 मैंने क्या मल्टीपुल कितना करूंगा, देखिए मल्टीपुल में 11 करूंगा, क्योंकि 6 से अगर मैं 5 के तरफ जा रहा हूं तो 11 काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 काउंट हो गया, तो 11 मतलब कट गया, तो आ गया ये 6। तो देखिए 5:60, तो लगभग हम लोग का आ गया कितना, 6। कंफर्म, क्लियर, या और कोई डाउट है, या और किसी का भी कोई डाउट हो सकता है। सर अगर हम लोग बेस 6 ले रहे हैं तो अगर उसने पूछ लिया 6 to 7 में क्या होगा, तो देखिए हम लोग क्या मल्टीपुल क्या 12 करेंगे क्या, क्योंकि देखिए मेरा बेस क्या है 6 है और काउंट होके 6 तक ही आएगा, तो 12 आना चाहिए, नहीं, ये 12 नहीं 0 हो जाएगा। जहां से काउंट शुरू होगा अगर वहां से काउंट खत्म हो रहा है, दैट मीन्स ये 0 आ जाएगा। क्लियर। तो आ गया मेरा कितना आ गया, पूरा कुल मिला के, सॉरी कुल मिला के मेरा कितना आ गया, 0 आ गया। कुल मिला के मेरा कितना आ गया, देखिए 0 आ गया। तो हम लोग को पता है 5 to 6 और 6 to 7 के बीच में वो एक ही टाइम में 180 डिग्री क्रिएट करेंगे। वो कहां पे, लास्ट टाइम मैंने प्रूव किया था, कहां से 5 to 6 में मैंने प्रूव किया था 560, दैट मीन 6, और यहां पे भी मैंने प्रूव कर लिया मिनट जो है 0 है, तो 6:00 लगभग 6, तो दोनों टाइम में मैंने प्रूव कर लिया 6 में ही होगा। क्लियर। किसी किसी बच्चे का डाउट रहेगा कि सर अगर 6, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिखाया कि 6 to 7 में होगा, तो सर यहाँ पे क्या 12 मल्टीप्लाई करेंगे क्या, कोई भी डाउट आ सकता है, तो इसलिए मैंने बता दिया नहीं, जहां से काउंट शुरू मतलब शुरू होगा अगर वहीं पे खत्म हो रहा है, दैट मीन्स वो क्या आ जाएगा, 0 में आ जाएगा। ठीक है, कंफर्म। आई होप किसी का भी और कोई डाउट नहीं रहेगा, सिर्फ यहीं पे एक डाउट था, या आना चाहिए था, या आएगा दिमाग में, वो मैंने बता दिया, और किसी का भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आई होप अब लोगों को ये सारा चीज जो मैंने बताया है वो सारा का सारा चीज समझ में आ गया होगा। कितना टाइम, अगर हम लोग फॉर्मूला में जाते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, अगर हम लोग बेस मेथड यूज करते हैं तो कम टाइम लगेगा। क्लियर। आई होप सारे बच्चों को ये जो कंसेप्ट है 180 डिग्री का वो समझ में आ गया होगा। क्लियर। तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।